ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे, तुमने ठेका ले रखा। बाबा रामदेव ये हो, ये सब लोग जितने भी बाबा हैं घूम रहे, देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के प्रमुख योग गुरु बाबा रामदेव ने जब से कोरोनिल नाम की दवा को पेश किया है, तभी से मानो बवाल मचा हुआ है। बाबा रामदेव पर कई जगह मुकदमे दर्ज कर दिए गए, मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, जिसके बाद बाबा रामदेव को भी पलटवार करने के लिए सामने आना पड़ा। बाबा रामदेव का कहना है कि उनकी ये जो दवा है और दावा दोनों ही कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रहा। बाबा रामदेव पूछ रहे हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए जब कई एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है तब हंगामा नहीं होता, तो फिर देशी जड़ी बूटियों से तैयार की गई कोरोनिल दवा पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है? भारत के जिस आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस आयुर्वेद के नुस्खे पर भारत में ही विरोध क्यों किया जा रहा है? आखिर एलोपैथ पर चुप्पी और आयुर्वेद पर सवाल क्यों? आखिर बाबा रामदेव की बूटी पर इतना ज्यादा बवाल क्यों? यह है हमारा आज का मुद्दा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बनाई कोरोना की दवाई, बाबा रामदेव की दवा पर सियासत गरमाई, एलोपैथ पर चुप्पी और आयुर्वेद पर सवाल, बाबा रामदेव की बूटी पर क्यों मचा बवाल? योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से आयुष मंत्रालय ने दवा के दावों का विज्ञापन और प्रचार बंद करने को कहा है, तभी से विरोधियों के हमले लगातार जारी हैं। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव को तरह तरह से कोसा जा रहा है, कई जगह मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, कुछ लोग मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जा पहुँचे। आखिरकार बुधवार को बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश की। हरिद्वार में अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा रामदेव ने विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह और सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई, माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने, अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के, स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है, ये हमें कहां लेकर के जाएगी? बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि हमने कोरोना के बारे में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डाटा सामने रखा था तो तूफान उठ खड़ा हुआ। ड्रग माफिया, मल्टीनेशनल कंपनियों, भारतीय और भारतीयता विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गईं। उनको लगता है कि कोट टाई पहनने वाले रिसर्च करते हैं, भगवा पहने लंगोट वाले बाबा ने कैसे ये रिसर्च कर ली। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, सूले हिल गई उन ड्रग माफियाओं की, उन MNCs के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है। पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? गौरतलब है कि 23 जून को योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना से लड़ने वाली कोरोनिल दवा को देश के सामने पेश किया था, तभी से बाबा रामदेव अपने विरोधियों के निशाने पर बने हुए हैं। बाबा रामदेव को घेरने के लिए कांग्रेस के MLC दीपक सिंह ने तो 19 दिसंबर
2018 का अपना पुराना ट्वीट तक खंगाल डाला और बाबा रामदेव के साथ ही साथ योगी सरकार को भी लपेट लिया। दीपक सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सदन में मेरे एक प्रश्न के जवाब में योगी सरकार ने खुद माना था कि पतंजलि के काफी उत्पाद जो पहले से ही बाजार में हैं, वही मानक के अनुरूप नहीं है, फिर इस कोरोना वाली दवा पर भरोसा कैसे करें। एमएलसी दीपक सिंह ने विधान परिषद में सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की कॉपी भी पोस्ट की। वहीं अलीगढ़ के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने बाबा रामदेव समेत तमाम साधुओं को देशद्रोही तक बता डाला। असल में ये बाबा रामदेव हुए और ये सब लोग जितने भी बाबा हैं घूम रहे, देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। इनका देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं लेकिन देशद्रोही है ये। ये ऐसे वक्त में भी देश के साथ धोखा कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बाबा रामदेव की कोरोना की ये दवाई कुछ लोगों को क्यों रास नहीं आई। अरे भाई, कोरोना की वैक्सीन को लेकर तो दुनिया भर में तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। एलोपैथिक दवाइयों को सप्लीमेंट्री के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उस पर कोई हंगामा खड़ा नहीं कर रहा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जब एक योगी बाबा ने देशी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक दवा बना दी तो घमासान मच गया। आखिर क्यों? और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एलोपैथ पर चुप्पी, आयुर्वेद पर सवाल, रामदेव की बूटी पर आखिर क्यों मच गया बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरेंद्र सिंह मलिक साहब हैं, आप कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, स्वागत करूंगा मैं आपका। हमारे साथ प्रभु नारायण सिंह यादव हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, आप अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, दिल्ली से लाइव हमारे साथ हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र मेथानी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से विधायक हैं। और बहुत शॉर्ट नोटिस में, केवल 10 मिनट पहले हमने इनसे निवेदन किया कि मेथानी जी आज डिबेट में हमारे साथ शामिल होना है आपको, और मेथानी जी ने एक बार फिर से हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। मेथानी साहब, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने आज दूसरा मौका है जब हमने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको टेलीफोन किया और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और इन सब के बीच में हाजी जमीरुल्लाह खान हैं, आप अलीगढ़ से पूर्व विधायक हैं, सपा से निष्कासित हैं, बसपा से निष्कासित हैं। आज हमारे साथ डिबेट में वो बैठने को तैयार हुए थे, लेकिन ऐन मौके पे हाजी जमीरुल्लाह खान ने ये धोखा दे दिया। और अब ये धोखा क्यों दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये वही हाजी जमीरुल्लाह खान हैं जिन्होंने बाबा रामदेव और तमाम हिंदू साधु संतों को देशद्रोही की उपाधि दी। तो मैं इस मुद्दे पे भी इनसे जिरह करना चाह रहा था, लेकिन हाजी जमीरुल्लाह खान भाग गए, ये मेरा स्पष्ट कहना है। हाजी जमीरुल्लाह खान भाग गए हैं, और क्यों भाग गए हैं, डर के भागे हैं, या उनके पास तर्क नहीं है, या उनकी हैसियत नहीं है तीखे सवालों को का फेस करने की। अब ये अगर वो जुड़ते हैं टेलीफोन पे तो उनसे पूछूंगा, और अगर वो जुड़ गए टेलीफोन पे तो फिर उनको हम सब मिल के निपटेंगे उनसे कि आखिरकार ऊटपटांग मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले तुम कौन हो। अगर हिंदू धर्म गुरुओं को तुम देशद्रोही कहते हो और मैं तुमको आतंकवादी कहूं हाजी जमीरुल्लाह, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी हरकतें तो वैसे ही हैं। इसके पहले तुमको जहां जहां से निकाला गया हाजी, तुमने ये सब काम किया ना, तमाम मुकदमे हैं, तमाम ऐसा काम किया जिसमें लोगों को भड़काने का काम भी तुमने किया हाजी जमीरुल्लाह। जुड़ेंगे तो बात होगी। जी स्वामी जी चक्रपाणी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बाबा रामदेव ने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया है बताइए ना। अरे भाई, हमारे घर में हल्दी वाला दूध देके हमारी माताजी गिलास हमको दे दें और कहा बेटा इसको पी लो, कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो यह अपराध थोड़ू किया उन्होंने। अगर हमारी बहन ने हमको अदरक का, दालचीनी का, काली मिर्च का, शहद और नींबू का मिला के गर्म करके काढ़ा दे दिया और बोला भैया इसको पी लो, तुम रोज दफ्तर आते जाते हो, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो क्या देशद्रोह हो गया? बाबा रामदेव ने कौन सा अपराध कर दिया, क्यों लोग पीछे लग गए उनके? देखिए अतुल जी, पहली बात को मैं बता दूं, एक अभी जो अजीत के बारे में बताया कि उन्होंने संतों के लिए राष्ट्रपति कहा है, तो पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, और नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग, जो कई कई पार्टियों से निकाल दिया गया, जो आपने परिचय दिया, और खुद हमारे हिंदी चैनल पे बैठना था और भाग गए, तो ये दूसरे को सर्टिफिकेट
ऐसे लोग नहीं दे सकते। अब रही बात, देखिए आयुर्वेद का इतिहास हमारा लाखों वर्षों का है और आयुर्वेद तो हमारे खासतौर से भारत में हर व्यक्ति अपने आप में अपनाता है, चाहे तुलसी का पत्ता हो, हर सनातनी या भारतीय के घरों में देखते हैं आंगन में तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा लगाया जाता है, उसको पूजा जाता है। हमारे यहाँ जो अश्वगंधा है उसकी जो विशेष उसका गुण माना जाता है और हर चीजों में उसका प्रयोग होता है। हल्दी को ले लीजिए, हल्दी दूध जो हम लोग बचपन से पीने का काम करते हैं और प्रतिरोधक बढ़ाता है और यहाँ तक कि उसको हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, और जो भी हमारे यहाँ मसाला है वो हर प्रकार कहीं ना कहीं औषधीय रूप में है और औषधीय रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये जितने भी चाहे गिलोय हो चाहे जो स्वामी रामदेव जी ने बताया है वो सब कहीं ना कहीं आयुर्वेद और शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। और इस समय सबसे बड़ी जो WHO ने भी कहा है कि आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए और पूरी तरह सरकार की इसको लेकर के वचनबद्ध है और सरकार भी इसको ज्यादा प्रचारित कर रही है। उसमें स्वामी रामदेव जी की जो पतंजलि योग पीठ है, एक तो योग के माध्यम से पूरे देश और विश्व को योग के माध्यम से स्वस्थ बनाने का काम किया, आयुर्वेद के रूप में भी जो आचार्य बालकृष्ण जी है बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अगर इन्होंने अगर आकर के सामने अगर कुछ देने का काम किया तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पेट में दर्द होता है जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं संतों के खिलाफ उनका एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं वो लेकर के, अरे जब FIR तो कहीं कई जगह रामदेव पे कराया जा रहा है तो अगर FIR कराना तो वो चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ कराओ भाई, जिसने कोरोना फैलाने का काम किया, जो साध के खिलाफ कराओ जिसने यहाँ पे भारत में कोरोना फैलाया जानबूझ करके। तो जो कोरोना फैला रहा है उसके खिलाफ FIR होना चाहिए ना, कि जो कम से कम जनता के लिए आके औषधि रूप में दे रहा है कि आपकी क्षमता बढ़ेगी या आप इसको सेवन करो, उस पर FIR हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दा रामदेव जी नहीं है, मुद्दा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को भारत में लेकर के आए, कोरोना पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनको अपराधी है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो मानव द्रोही है। तो कहीं ना कहीं आप देखो जानबूझ के इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी संवेदनशील मुद्दा है, आज देखो मौत घर घर में आ रहा है, अभी आपके फोन के पास लाइव आने के पहले दो लोगों से बात कर रहे थे, कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए पूरे के पूरे परिवार, वो कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो आदमी हॉस्पिटल में बात करके हाल चाल लेने का काम कर रहा है। और इन परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक चीजें आनी चाहिए, अगर कोई थोड़ी मोड़ी औषधि काम करती तो बुराई क्या है, अगर आयुर्वेद तो कोई से भी नुकसान करता नहीं है, तो आप इसको लेके उसी को विषय कोई बना दे कि नहीं ये तो राष्ट्रद्रोही है, इनको FIR करो, अरे क्या मतलब बनता है। सुरेंद्र मिठानी जी मुझे बताइए, इस देश की परंपरा रही है सदियों वर्षों से कि हम लगातार सैकड़ों वर्षों से आयुर्वेद में और भारत के जो खान पान है, जो हमारा मसाला है, जो हमारी सब्जियां हैं, हम लोग उसमें कोई चीज ढूंढ लेते हैं मिठानी साहब, और हमको पता है कि हमारी जो हमारी खान पान और हमारी जो पाक कला है उसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर बाबा रामदेव ने कोई इम्यूनिटी बूस्टर बनाया तो उस पर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है भाई? क्या ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ, या ये हिंदुत्व के खिलाफ, या ये आयुर्वेद के खिलाफ एक छद्म युद्ध है क्या? देखिए अतुल जी, ये जो भी लोग हैं इस तरह की बात इनको नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि हमारी ये आयुर्वेदिक पद्धति हमारी वो पद्धति है जिसके आधार पर ऋषि मुनियों ने 400 वर्षों तक अपने जीवन को जिया था। जो हम लोग बराबर कथाओं में पढ़ते हैं, अपने पुराने उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि 400 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष तक जीवन उन्होंने केवल ये आयुर्वेदिक के ही और योग के आधार पर ही अपने जीवन को जिया था। और ऐसे में अगर देसी जड़ी बूटियों से कभी कोई दवा बने और बाबा रामदेव इस प्रकार का एक प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि प्रयास समाज हित में देखा जाना चाहिए, इस देखे जाने के नजरिए को बदला जाना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहिए कि ठीक है वो इस प्रकार के और प्रयोग करके और जनहित में जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे में कोई प्रश्न उठा करके और एलोपैथी पर आप उसको ज्यादा तवज्जो दें, जबकि एलोपैथी बहुत बाद की बिल्कुल लेटेस्ट है, तो तब की पद्धति है और ये हमारी जड़ी बूटियों वाली पद्धति आज बाबा आजम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब से इस धरती का खोज हुई है तब से
इसके आधार पर हम अपने जीवन को यापन करते रहे हैं और स्वस्थ रहे हैं, आज की अपेक्षा से तब ज्यादा स्वस्थ रहे हैं। आज निश्चित रूप से खान पान का जो विषय इतना बड़ा फैला हुआ है, जिस पर जो हमारे लिए इम्यूनिटी पावर को घटाने का भी काम करता है, तब हम केवल प्राकृतिक चीजों पर ही ज्यादा आधारित रहते थे और इन्हीं जड़ी बूटियों के आधार पर अपना स्वस्थ जीवन। उस समय के मानवों को देखिए आप, उनके शरीर की बलिष्ठता को देखिए, उस समय के हाइट को, शरीर की देखिए, इम्यूनिटी पावर को देखिए, तो आज के और उस समय के युग में आपको बहुत बड़ा अतुल जी अंतर दिखाई देगा। इसका समर्थन करना चाहिए, इसको केवल राजनीतिक चश्मे से इनको नहीं देखा जाना चाहिए। जी हरिंद सिंह मलिक साहब, क्या वजह है भाई, क्यों विरोध कर रही है आपकी पार्टी? राजस्थान के मंत्री हैं रघु शर्मा जी, रघु शर्मा कहते हैं अगर एक भी गोली यहाँ पे राजस्थान में बिक गई तो अगले दिन बाबा को जेल भेज दूंगा। इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है? आपके एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश के, दीपक सिंह नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, वो कहते हैं कि साहब ये सब फर्जीवाड़ा है बाबा का, और इसके जवाब में वो एक ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं, कहते हैं कि मेरे सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश में सरकार ने सदन के भीतर ये रिपोर्ट दी। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 113 नमूने जो हैं वो पतंजलि के संग्रहित किए गए 1/4/17 से और 30/11/18 तक के बीच में, और इसमें 113 में से जो है 77 विश्लेषण परिणाम आए हैं, और 77 में केवल 17 ऐसे मानक हैं जो नमूनों पे खरे, जो उनके मानकों पे नमूने खरे नहीं उतरे हैं। तो भैया 77 में केवल 17 अगर मानकों पे खरे नहीं उतरे तो बाबा का हर प्रोडक्ट खराब है क्या? इस तरह की तर्क क्यों दे रहे हैं आप लोग? ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी राजस्थान के मंत्री जी से तो कोई बात नहीं हुई, ना दीपक सिंह जी से हुई, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, अपनी बात होगी। आयुर्वेद की जहाँ तक बात है, आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है और सबसे इसका इलाज चलता रहा है, सदियों से चलता रहा है। काढ़ा तो आज भी इस पूरे समय में मैं भी पीता हूँ और मेरे परिचित सभी लोग पीते हैं, सभी के घर में। अभी आप ही कह रहे थे हमारी जो रसोई है वो सबसे बड़ा चिकित्सालय है। दूसरी बात, मैं उसका भी इत्तेफाक नहीं करता कि साधु संतों के बारे में अलीगढ़ के साथी ने कहा, ये कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो उत्तेजना फैलाती है और हम हर इशू को सांप्रदायिकता पे ले जाते हैं। जहां तक बात इसके विवाद की है, देखिए इम्यूनिटी बूस्टर तो आयुर्वेद से अच्छा किसी चीज में है नहीं, और जितने हमारे दालचीनी हो, लौंग हो, इलायची हो, हल्दी हो, और मेरे खुद गिलोय और नीम के पत्ते का, तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मुलहज का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस विवाद की जड़ आप खून को तलाश रहे। जड़ को भी मैं बता दूं, आपको स्मरण होगा सबसे पहला आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इस विवाद को पैदा किया, उत्तरांचल की सरकार ने इस विवाद को पैदा किया, और उसी समय स्वामी रामदेव जी के हाथ से बयान आया कि हमने तो इम्यूनिटी बूस्टर कहा है। ये विवाद तो भारत सरकार ने कहा, जब भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कहता है इस तरह की कोई दवाई नहीं, हमने किसी को मान्यता नहीं दी, तो मुझे 130 करोड़ भारतीयों में से किसी को भी एक बोलने का साहस पैदा होगा? उत्तरांचल सरकार का मंत्री कहेगा हमने अनुमति दी ही नहीं इन्होंने इसे कोरोना की, हमें तो दूसरी बात कहकर के उन्होंने अनुमति दी है। देखिए जो है आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने अगर कोई इम्यूनिटी बूस्टर बनाया, मैं तो उनकी प्रशंसा करूंगा, परंतु साथ साथ ये भी मैं उल्लेख जरूर करूंगा कि जब उत्तरांचल प्रदेश में जहां इनकी फैक्ट्री है वहां का मंत्रालय कह रहा है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई इजाजत नहीं दी, हमसे झूठ बोल करके गलत बात बता करके इन्होंने किया है, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार कह रहा है, तो भारतीय होने के नाते मेरे मन में शंका जरूर पैदा होगी। आयुष मंत्रालय कह रहा कि कोई ऐसी दवाई नहीं है, ये आयुष मंत्रालय को देखना चाहिए था। आदरणीय स्वामी जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये ड्रगवादी लोग, तो स्वामी जी झूठ से बोल नहीं सकते, वो तो सत्य बोलते हैं। तो ये जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, ये भी जांच का विषय हो गया कि किन किन ड्रग माफियाओं से मिला हुआ है जो स्वामी जी को प्रताड़ित कर रहा है। एक अकेले दीपक सिंह जी ने जो कहा वो तथ्यों के साथ कहा, उन्हें प्रदेश सरकार में विधान परिषद में उनके प्रश्न के उत्तर में ये कहा 17 नमूने फेल आए, अगर एक नमूना भी फेल है तो कहीं ना कहीं मैं दवाई 77 नहीं खाऊंगा, मैं दवाई एक ही खाऊंगा, अगर वही नमूना फेल है तो मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे हालात में दीपक सिंह जी और राजस्थान के मंत्री जी डर के होंगे जब वो आयुष मंत्रालय भारत सरकार कह रहा है कि हमने मान्यता नहीं दी,
तो फिर कोरोना पीड़ित प्रदेश था राजस्थान, उन्होंने ठीक ही ध्यान दिया कि भाई जब तक आयुष मंत्रालय इसे सर्टिफाइड नहीं करता, प्रमाणित नहीं करता, तो मैं दवाई नहीं बेचने दूंगा। आप भी जानते मैं भी जानता हूँ कि इस पर ये जो है आपको प्रमाणित करने का काम तो आयुष मंत्रालय का है। तो मैं श्रीमान आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या गलत कह दिया, क्या दीपक सिंह ने गलत कह दिया भाई। ऐसी स्थिति में और इस सरकार में स्वामी रामदेव जी की पीठ थपथपानी चाहिए थी और उल्टा आयुष मंत्रालय उन्हें कंडम कर रहा, उत्तरांचल सरकार कंडम कर रही हम और हमारे दो आदमी पहुंच गए। आप हमारे फल लाठी लेकर छिड़े कांग्रेस कर रही, कांग्रेस बाबा दो आदमी कांग्रेस छोड़ाई है, कांग्रेस तो बहुत बड़ा संगठन नहीं है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि रघु शर्मा और दीपक सिंह ने जो बात कही है वो उनका निजी बयान हो सकता है, वो पार्टी की लाइन नहीं है, ये आप कह रहे हैं? मैं मेरा कहने का आशय है उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कहा है, दीपक सिंह ने प्रदेश सरकार के जवाब को उद्धृत करते हुए कहा है और राजस्थान के माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो आयुष मंत्रालय भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तराखंड। अरे मलिक साहब लेकिन नवंबर 2018 में अगर कोई सैंपल लिया गया है, उस पुरानी रिपोर्ट को अगर हम इस वक्त जुलाई 2020 में कोट करें तो ये कितना जायज है, आप मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुनो, मैं रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं सीधा किसान आदमी हूँ, जहाँ आदमी हूँ भाई, मुझे इतना आप तारीखों में थोड़ा फंसाओ, पर मैं कह रहा मंत्री जी ने जो कहा आयुष मंत्रालय भारत सरकार की आख्या और उत्तरांचल सरकार की आख्या को देख करके संभवतः कहा होगा। अच्छा ये मेरा जी यादव जी मैं आपके पास चलूंगा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। अच्छा हाँ, और बाबा रामदेव भी जो है वो आप ही की बिरादरी से हैं, यादव बिरादरी से हैं, हालांकि वो संत हो गए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ यादव जी, क्या आखिरकार इतना हुआ क्यों बना दिया है? बाबा रामदेव ने जो सवाल खड़ा किया वो सवाल क्या गलत है? क्या टाई कोट पहन के बढ़िया लंबी मोटर गाड़ी में आके अच्छा महंगा कपड़ा पहन के और एलोपैथ का जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है उसी को दवाइयां खोजने का अधिकार है क्या हिंदुस्तान में या दुनिया में? अरे भाई एक लंगोट पहने, एक धोती पहने एक साधु क्यों नहीं खोज कर सकता है भाई? हेलो। हाँ जी कहिए यादव जी। हाँ भाई साहब, आपने समय दिया, मैं पहले इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सवाल इस बात का कि बाबा रामदेव का सवाल नहीं है, आयुर्वेद बाबा रामदेव द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है। ये भारत की पुरानी पद्धति की परंपरा रही है, पुरानी खोज। इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी त्रासदी हिंदुस्तान में दुनिया में आई है एक साथ, उस बीमारी के दवा बनाने का सवाल है। सवाल इस बात का है कि दवाएं जब बनती है। आप एक मिनट रुक जाइए, इसमें तुम्हारे साथ हाजी जमीरुल्लाह खान जुड़ गए हैं। हाजी जमीरुल्लाह आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आ रही है। आज आपको आना था, कहाँ चले गए? नहीं मैं अपने टाइम से बिल्कुल सही टाइम पे आ गया था, मैं बिल्कुल 7:45 घर पे आ गया था, मैं कहीं मीटिंग में था 7:45 आ गया था। अच्छा तो अभी आप कहाँ, घर ही पे हैं? हाँ घर पे ही हम लोग। अच्छा, आपके लोग भी बढ़ गए? हमारे लोग हैं। हाँ मौजूद में बात कहा नहीं आपसे, हमको तो आपसे बात करनी है, वो अपना काम करेंगे। जो इस वक्त हमारे सहयोगी सुन रहे हैं वो आपको जरा लाइव जोड़े और आप हमसे अभी बात करते रहे, हमारे जो पीसीआर के सहयोगी हैं वो आपको लाइव जोड़ लेंगे। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपने स्वामी रामदेव जी की जो दवाई है कोरोनिल, उसके बारे में क्या कहा है, क्या आपका स्टैंड है, क्या दिक्कत है आपको? हमारा स्टैंड ये है, बहुत छोटा सा स्टैंड है कि उन्होंने उनके खिलाफ बिहार के अंदर FIR हुई। जब ऐसा वक्त जहाँ मतलब 80 करोड़ लोग भूख मरी कगार पर है, उस वक्त आप धोखाधड़ी के साथ अपनी दवा बेच रहे हैं, जब भी सरकार कोई पास भी नहीं हुई तो ऐसे देशभक्ति से क्या फायदा, ऐसा देशभक्ति पैसे से कमाने से क्या फायदा जो आप देश को धोखा दे रहे हैं। चलिए आपका जो बयान है मुझे लगता है लाइव आप बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जी यादव जी मेरे सहयोगी जो आपके घर पे हैं जमीरुल्लाह जी, वो आपको लाइव जोड़ लेंगे तो आपसे बात करके ज्यादा मजा आएगा। मैं यादव जी, प्रभु नारायण सिंह यादव जी, मैं आपसे एक सवाल आखिर में पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए थोड़ा सा, चूंकि अब जमीरुल्लाह साहब आ गए मुझे इनके साथ बैठना होगा। हाँ मुझे आप इतना बता दीजिए यादव जी, आखिरकार अब इस पूरे मामले में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जो आपके समर्थक हैं आप इस इम्यूनिटी बूस्टर जो पतंजलि ने बनाई है उसको लेने के लिए प्रेरित करेंगे या इसका विरोध करेंगे? नहीं
देखिए सवाल इस बात का है कि जब हमने कहा कि इतनी बड़ी बीमारी है दुनिया में जिससे पीड़ित लोग हैं, उसके इलाज का उसकी दवा का सवाल है, तो दवाएं जब बनती है आयुर्वेद का काम तो अपना है इसमें दो राय नहीं, लेकिन दवाएं जब बनती है तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, कहीं ना कहीं आइए आयुष मंत्रालय में जाएंगे अपना एक एप्लीकेशन करेंगे सरकार के पास जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं पता चला, दुर्भाग्य कहा जाए। एक प्राइवेट कंपनी का आदमी आता है कहता हमने दवाई बना दिया ये हमारी दवा लीजिए, ये कितनी शर्मनाक बात है। आज के परिवेश में देख रहे हैं हम लोग, जहाँ प्रधानमंत्री का जी का जो बयान आता है तो कुछ आता है, जब वित्त मंत्री जी का बयान आता है तो कुछ आता है, इतनी बड़ी त्रासदी बड़े पैमाने पे मजदूर मर गए, लेकिन एक भी बयान हमने नहीं सुना भारत सरकार के श्रम मंत्री का जो सभी बयान देने का काम किया। तो ऐसे ही स्थिति में दवा बनाना आयुर्वेद एलोपैथ का झगड़ा नहीं है, जिस तरह भी झगड़े को ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है दवा बने आयुर्वेद की बने, आयुर्वेद तो याद की ये प्रचलित दवा नहीं है, ठीक है आयुर्वेद तो केवल आज नहीं स्वीकारा लोगों ने पहले भी स्वीकारा है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन दवा बनाने के सवाल पे इसके नियम कायदे कानून है, इसके मंत्रालय है सरकार है, आज सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके कोई चीज सामने आती ठीक है बीमारी क्यों होता, ठीक है। अच्छा मैं मेथानी साहब आपके पास आऊंगा, आप जिस तरीके से यहाँ पर आयुर्वेद की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार हो या आपका केंद्रीय आयुष मंत्रालय हो, इन दोनों की तरफ से बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई इस इम्यूनिटी बूस्टर पर पहले सवाल खड़े किए गए ना, हरेंद्र सिंह मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें हम विपक्षी दलों का कोई रोल ही नहीं है, जब आपका आयुष मंत्रालय चाहे उत्तराखंड राज्य का हो और चाहे केंद्र का हो, जब वो सवाल खड़े करेगा तो हम लोग क्या उस पे बयान ना दें, जिसने सवाल खड़े किए वो ठीक है, हमने बयान दे दिया तो हम गलत हो गए। नहीं देखिए अतुल जी, विषय इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इनको आयुष मंत्रालय ने दवा बनाने में जो भी टिप्पणियां की, मान लीजिए हमने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में एक कमी है, तो आयुष मंत्रालय तो अधिकार है वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और उसको दुरुस्त भी किया जाएगा, कोई उन्होंने इसके बयान दे करके कोई इसको बाजार में यूज के लिए इस्तेमाल के लिए तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसको उन्होंने उसके सर्टिफाइड होने के लिए भी आवेदन किया। जहाँ तक हमारे प्रभु नारायण यादव जी कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी एक दवा लाई और उसने रामदेव जी को दिया और देने के बाद कहा कि लीजिए हमने ये कोरोना की दवा बनाई है, कोरोनिल दवा है, इसको आप अपने माध्यम, इनके पास कौन सा प्रमाण है, केवल मुंह से कह देना ये पर्याप्त नहीं होता, हिंदी खबर चैनल पर पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, बिना प्रमाण के चैनल पर बोल देना प्रभु नारायण जी ने किस उससे बोला है मैं नहीं जानता, लेकिन ये उचित नहीं है। जहाँ तक आयुर्वेदिक दवा का बात है सवाल है, तो अगर कोई समाज के हित में इस प्रकार का प्रयास करता है और आयुष मंत्रालय हो या हमारी सरकार हो, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है और उसको सुधार के लिए संभावनाएं हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं करता और वो करेंगे, लेकिन जहाँ तक आयुर्वेदिक दवा के लिए आप लोगों के बयान जो इनके आ रहे हैं, ये मुझको लग रहा है चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं हमारे आदरणीय हरेंद्र सिंह जी और चाहे हमारे प्रभु नारायण जी हैं, ये केवल वो भगवा किसी भगवाधारी है रामदेव जी, इन लोगों ने इनके दल ने तब भी ये प्रश्न उठाए थे, जब उन्होंने योग को कराना प्रारंभ किया था तब भी इन्होंने प्रश्न उठाए थे, जब इन्होंने योग को करने के बाद रामदेव जी ने समाज हित में आज के समय पर जिस प्रकार से तमाम चुनौतियां विदेशी कंपनियां अपने केमिकल युक्त आइटमों को इस देश में देने का काम कर रही थी और उसके विपरीत उन्होंने स्वदेशी आधार पर अपने प्रोडक्ट देने प्रारंभ किए, तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे। आज आयुर्वेदिक अगर दवा इन्होंने बनाई है तो उस पर भी ये सवाल उठाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि रामदेव जी अगर 77 में से 17 नॉर्म्स में मानकों में कोई कमी है तो उसको ठीक करें और समाज की सेवा करें, ये दवा दें, पर इनका उद्देश्य कुछ और है, इनका उद्देश्य ये नहीं है नहीं, नहीं, रामदेव जी, जी दवा देकर मैथानी जी वो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैथानी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो आपके हिसाब से मैथानी जी हो सकता है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा क्या गलत कहा, उन्होंने कहा कि राज्य का आयुष मंत्रालय जो हरक सिंह रावत जिसके मंत्री हैं और केंद्र का जो आयुष मंत्रालय श्रीपद नाइक साहब, अब जब उनके मंत्रालय ने पहले सवाल उठाए तो विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं,
तो आप विरोधी दलों के पीछे लग जा रहे हो। लेकिन जो सरकारों ने, राज्य और केंद्र की सरकारों ने सवाल उठाया, क्या वो जायज था? नहीं अतुल जी, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने उनके प्रश्न पूछा है और उनके दवा रोकने रोक लगाई है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के कुछ मंत्री, जिस प्रकार से रघु शर्मा ने कहा कि एक भी गोली बिकी तो बाबा को जेल भेज दूंगा, हाँ वो जिस तरीके से उनका भाषा है, अमर्यादित भाषा है, वो कहीं ना कहीं पूर्वग्रह से ग्रसित है, कहीं ना कहीं भगवा के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं रामदेव से व्यक्तिगत तो कुंदस टाइप का बोल रहे हैं, जबकि एक मंत्री को या एक नेता को शोभा नहीं देता। आप स्वामी रामदेव अगर ऐसे देखा जाए तो किसी पार्टी का नहीं है, ठीक है किसी को समर्थन करते हो अलग है, लेकिन एक स्वामी रामदेव अगर जो दवा लेके भी आते हैं तो वो सब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ हिंदू इस्तेमाल करेगा, मुसलमान नहीं करेगा, बीजेपी वाले करेंगे, कांग्रेस वाले लोग नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की एक नेता को बयान देना है, राजस्थान के मंत्री को बयान देना है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। और जहां तक आयुष मंत्रालय ने जो कार्रवाई किया है वो तो स्वाभाविक है, उसको करना भी चाहिए। और स्वामी रामदेव जी या बालकिशन जी उनको जवाब देंगे, ठीक होगा तो मार्केट में आएगा, या उसको परमिशन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से कोई राष्ट्रद्रोही कर रहा है कोई, ये अच्छी बात नहीं है। अगर राष्ट्रद्रोही करना है तो आप साथ को करो ना, जिसने कोरोना फैलाने का काम किया, चाहे और जो लोगों ने कोरोना फैलाया, जो चीन के राष्ट्रपति उसके खिलाफ FIR कराओ, जिसने भारत समेत पूरे जमीनुल्लाह के पास चलूंगा। जमीनुल्लाह खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे ये बताइए, आप जो है इस तरह से हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? मौलाना साहब जिसने कोरोना फैलाया आप उसके बारे में तो खामोश हैं, और जो कोरोना की दवा बना रहा है, अरे इम्यूनिटी बूस्टर सही, आप उसको देशद्रोही बता रहे हो भाई। मैंने अभी कोरोना की दवा पूरी दुनिया में तो कहीं बनी नहीं, ये इतना बड़ा संसार जो कोरोना बीमारी का दवा थी जल्दी पूरी दुनिया, अमेरिका बना नहीं पाया, ईरान बना नहीं पाया, अब पूरे दुनिया के देश तो बना नहीं पाए, ये इतना काबिल और इतना मतलब सस्ता है भर्ती होती है तो भाई इसके पैसा कमाने का तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे तो आप उनको देशद्रोही कह दोगे क्या? ना हम तो जो देश के साथ द्रोह करे वो देशद्रोही, वो देश के साथ धोखा करे चाहे कोई भी हो, देश आपकी जवान चुप हो जाती है जब वो वैसी हैदराबाद से इस प्रकार की बातें करते हैं, क्यों आपकी जवान बंद हो जाती है? जब पाकिस्तान बोलता है और यहाँ पर राहुल गांधी जी पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाले शब्द बोलते हैं, पाकिस्तान में तालियां बजती है, यहाँ की मीडिया उनको बढ़ावा देती है, फिर आपकी जवान में ताला क्यों लग जाता है? तब आप प्रसन्न होते हैं क्या? पाकिस्तान के बगैर आपकी बात पाकिस्तान के बगैर पूरी होगी नहीं। आपके पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गाय, बछली, बकरा, इसके अलावा कोई बात तो है नहीं पर आपकी जवान खुलती नहीं। आप जब पाकिस्तान में राहुल गांधी के बयान पर और यहाँ के लोगों के बयान पर जब तालियां बजती हैं, ओबीसी के बयान पर ताली बजती है, आपकी जवान खुलती नहीं। आपकी जवान तो सब खुलती है जब आपको लगता है कि भगवा गांधी के बयान पर भगवा गांधी एक एक करके बोलेंगे। जमीरुल्ला पहले बोलेंगे, उसके बाद थानी साहब आपके पास आऊंगा। जमीरुल्ला बोलिए। मैंने ये कहा कि आपका पाकिस्तान के बगैर खाना हजम नहीं होगा, आपका गाय बछड़ी बकरे के अलावा कोई काम नहीं है आपको। मैंने ये कहा जो देश के साथ धोखा करे वो देशद्रोही, कितने लोगों ने देश के साथ धोखा किया जो हिंदुस्तान से चले गए भाग के पैसा कमाने के चक्कर में, आप दुनिया को धोखा देंगे? अरे आप हमारा मंत्रालय है वहां से पास कराइए अपनी दवा को, और ऐसे तो रोजाना अलीगढ़ के अंदर, रोजाना पूरे देश के अंदर पुड़िया बेचने वाले डॉक्टरों में आपने क्या फर्क रह गया साहब? सुधार करेंगे झोला छाप डॉक्टरों में आपने क्या फर्क रह गया भाई इनकी? देशद्रोही कैसे कह सकते हो? देशद्रोही आप उबेसी को क्यों नहीं कहते हो? आप उन जमातियों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने कोरोना फैला दिया, जिसके कारण से रामदेव जी जैसे लोगों को आज इस पर रिसर्च करनी पड़ रही है, उन पर क्यों नहीं देशद्रोही का शब्द प्रयोग करते हैं? देश के साथ करते हो क्या? मेरे साथ मेरा कहना यह, देश के साथ जो धोखा करे वो देशद्रोही। अच्छा एक मिनट हाजी साहब बताइए, जमीरुल्लाह जी ना फिर जमीरुल्लाह जी कितना मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है? कुछ बोलिए और मैं चाहिए सबकी आवाज बंद करिए। जमीरुल्लाह और मैं साथ होंगे। जमीरुल्लाह जी कितने मुकदमे आपके ऊपर हैं? मेरे पास नहीं है, अल्लाह करम है, मेरे ऊपर नहीं है। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है?
अल्लाह का एहसान है भाई, देशद्रोही नहीं हूँ मैं। अरे मुकदमे कितने हैं? मुकदमे कितने हैं? मैं देशद्रोही की बात नहीं कर रहा हूँ। एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी मुकदमा नहीं है तो आप लोगों को, आप लोगों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते घूमेंगे? भाई मैं कैसे बांटूंगा, मेरा देश देखा है तो जब देश मौलाना साद जिसने जमातियों को एक साथ रख के कोरोना फैलाया, वो देशद्रोही है कि नहीं है? वो भी मीडिया का प्रचार था, मीडिया का प्रचार। आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सवाल नहीं, पहले सवाल का जवाब दो पहले। मौलाना साहब देशद्रोही है कि नहीं है? नहीं, देश छुपा बैठा है। वो मुसलमान है, इसलिए तुम लोग मुसलमानों का पक्ष लेते हो? बिल्कुल देशद्रोही नहीं है मौलाना साहब, देशभक्त है और दिल्ली के अंदर है और सरकार के पास है। हाँ। सरकार के पास है। हाँ। अगर मौलाना साहब को सरकार नहीं पकड़ सकती तो मैं समझता हूँ सरकार फेल है। सरकार फेल है, आप ही लोग पास हो। चक्रपाणी बाबा यही लोग पास है। इन लोगों को अल्लाह ने भेजा है स्पेशल हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में जन्म लो और हिंदुस्तान में जहाँ रहते हो, जहाँ खाते हो, उसी को गाली दो। अतुल जी, आपने इनको लाइव बेनकाब कर दिया। अरे भाई, कौन नुकसान पहुंचा रहा है? आपकी अम्मा आपको काढ़ा पिलाती, घर में काढ़ा पीते हो ना? बाबा रामदेव अगर इम्यूनिटी बूस्टर बना रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर FIR क्यों हो गई बिहार में? अरे यार, FIR तो कोई किसी के ऊपर भी करा देगा। FIR से क्या होता है? FIR होना क्या अपराधी होना होता है क्या? अगर FIR आपके ऊपर हो गई क्या, तो मैं 75 हुई है, 75 हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ, आप ही जाके FIR करा दो। FIR कराने में क्या होता है? नहीं नहीं, मौलाना साहब तो भाई पाक साफ है। मौलाना साहब तो अल्लाह का बंदा है, पाक साफ है वो। मौलाना साहब के ऊपर FIR आ रहा है, वो भगोड़ा है। और जमीनुल्लाह आप लोग मुसलमान कराते हो बैठ के? वो सरकार के पास है, सरकार के मेहमान है। आप मेहमान है? अरे आप लोग हिंदुस्तान के मेहमान हो भैया, बड़ी बात है। अरे आप लोग जो देश के खिलाफ बात करते हो और उसके बाद भी यहाँ पे आराम से घूमते हो, आप भी मेहमान ही हो यहाँ पर। हमारा देश है, मेरा देश है, मैं तो थाली में छेद क्यों करते हो? जहाँ खाते हो वहाँ छेद क्यों करते हो? जमीनुल्लाह, नहीं, जब भी देश में मेरा जन्म हो, इसी देश में हो, मेरा भारत देश में मेरा जन्म हो, जब भी देश में हो, छेद करने का मौका मिलता है ना यहाँ पे? जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करने का मौका मिलता है? मैं आराम मिलता है यहाँ पे। लोगों के खिलाफ बात करता हूँ, लोग देश को नुकसान पहुँचाते हैं, प्रयास करता है, तो आप क्यों उसको हिंदू और मुस्लिम के बीच बांटते हैं? क्यों नहीं आप देखते हैं? ये आपके आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं, आपके पास इसके अलावा ये राइट नहीं है। आप जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, आपका देश का पानी खत्म नहीं होगा। ये आपकी जवान से क्यों नहीं निकलता है? अरे हमने हमेशा देश के लिए काम किया, देश के लिए बरंगे, देश के लिए। मैं नहीं कह रहा आपने देश के लिए काम किया नहीं किया, इस पे प्रश्न नहीं कराया। आपने क्या दिया था? आपने जवान ताला क्यों लगाया था? जब आप मेरे आपके हकीकत क्या हम सवाल आपके पास करते से नहीं थे और आज सवाल बात के अंदर क्यों आप देश अंदर से बड़े जाते और आपने ताला लगा लेते हैं? क्यों आपको डर लगता है? किससे आपको डर लगता है? कौन है जो आपको डराता है? आपकी जवान आप ये क्यों नहीं कहते कि रामदेव जी आपने पुरानी पद्धति को ठीक प्रकार से लागू करने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर ऋषि मुनि और इस देश के लोग साल तक जीते थे? ये प्रधान सरकार है, उस पर कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप सरकारों से ही NOC मिल जाए और आपकी स्वागत क्यों नहीं करते? चलिए बस करिए, सबकी आवाज बंद करिए। हरन मलिक के पास चलूंगा। हाँ मलिक साहब, कहिए। अतुल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी दो डिबेट पहले भी अटेंड की है। हाँ। आपका अनुशासन और आपका एक कथन जो आप बार बार कहते हैं, अपने आप करते भी है कि सत्ता के अलावा और विषय के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे, विषयांतरण आपने कभी स्वीकार नहीं किया, पर आज हो रहा है। एक तो मेरा अनुरोध है, देखिए स्थिति बड़ी स्पष्ट है इस मामले में, ना तो पार्टी का मामला है ना दूसरे का। यहाँ तक स्वामी रामदेव जी का सवाल है, उन्होंने आयुर्वेद में और योग में काफी काम किया और काफी काम कर रहे हैं, और आयुर्वेद हमारी धरोहर है, वो ना स्वामी रामदेव जी की
वो पूछती है ना हरिंदर मलिक की, वो पूछती है ना जोर की है, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक बात है, जो काम करेगा उसको नाम तो जाना ही। आयुर्वेद हमारा पुराना है। एक तो अफसोस ये है कि हम हर बार उन पार्टी नेता पहले पार्टियों में ले जाते हैं, फिर नेताओं में ले जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि कुछ विद्वान साथी जिन्हें विषय की जानकारी नहीं होती वो उसे उस तरह का विषांतरण करते। अभी जैसा ये अलीगढ़ से हमारे साथी बोल देते विद्वान साथी, देश द्रोहिता का इनको पता होना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप लगा करके उसे हम समाज का और समाज में हम लोग जिम्मेदार आदमी के रहने के हकदार नहीं रह जाते अगर हम इस तरह की बात करेंगे। आप पत्रकार हैं, आप हमें समझावे तो कहीं ना कहीं हमने गलती की होगी, तभी तो आपको बोलना पड़ा होगा। नहीं मैं भी बोल रहा हूँ, दूसरे लोग बोलने की बोल नहीं आते। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी का नाम उछाल दिया भाई, अगर कहीं कोई बात है, आज कोरोना की बात हुई, बात दवाई पर आपका इशू है, कोरोना आया जहाज में बैठ का आया, कोरोना से वीजा मैंने तो दिया नहीं, सरकार ने दिया, परंतु जो हो गया अब सब मिल करके एक इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं कोरोना से। स्वामी जी ने एक आयुर्वेद बूस्टर दवाई, उसकी आयुर्वेद की एक दवाई बनाई जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे दादी दादाओं के टाइम से और आज भी रसोई में कुछ घर ऐसे होंगे जिनके घर में महिला ये ना कहे कि तेरा अच्छा बुखार हो रहा है, जो काढ़ा पी ले। हम लोग पीते हैं और मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं भी पी रहा हूँ और बहुत से मेरे कल में हमारे एक साथी है अनीश भाई, उनके हाथ चला गया, वो बता रहे थे मैं सुबह शाम रोज पी रहा हूँ, उन्होंने जो मुझे चाय पिलाई उसमें तुलसा का पत्ता और दालचीनी थी। तो ये इसमें ना धर्म की बात है ना कोई दूसरी बात है। मेरा अनुरोध है क्यों नेताओं का नाम उछालते हो, अगर ये कहीं बात है, देखिए विवाद की यहाँ तक बात है, विवाद शुरू हुआ भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई दवा हमें प्रमाणित नहीं किया, विवाद शुरू हुआ उत्तरांचल और देखिए स्वामी जी ने दवा बना दी जिसे मर्जी हो खरीदो ना मर्जी हो ना खरीदो, तो जबरदस्ती आप पार्सल वो खरीद नहीं रहे। ठीक बात है। और जहां तक बात आती है बार बार कांग्रेस, मैं दोहरा रहा हूँ कि पंडित ने जो इन्होंने जवाब दिया, नेताजी जी के उस उत्तर सहमत रही हूँ कि सफराई तो खराब रही, नेताजी जी थे अच्छा कपाणी जी थे, सम्मानित लोग है दोनों, अरे भाई अगर एक भी खराब हुई इस बात जो सदन में माननीय सरकार ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया दीपक सिंह जी ने वो साथ में पोस्ट कर दिया। राजस्थान के मंत्री जी ने देखिए भारत सरकार भारत एक संघीय देश, हमारा संविधान संघीय शासन को मान्यता देता है, हम पार्लियामेंट के नियम को फॉलो करना राज्य सरकारों का दायित्व बनता है। ठीक है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार कह रहा है कि हमने दवा को मान्यता नहीं दी, शब्दावली में अंतर हो सकता है, शब्दावली को किसी को स्वीकार हो ना हो वो शायद करंट पीरियड ना लगे दूसरी बात भी कही जा सकती थी, परंतु प्रदेश सरकार उसी दवा को अपने प्रदेश में बिकने की अनुमति देगी जिस दवा को प्रमाणित किया होगा आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने, एक बहुत सीधा सा नियम है। ठीक है। उसी बात को लेकर के लगे हैं और देखो मैं तो अनुरोध करूंगा अलीगढ़ वाले साथी से भी कि हमारी करबद्ध प्रार्थना है इस देश हित में राष्ट्रद्रोहिता का किसी को लेबल देने की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे या किसी और को यह अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफिकेट दे राष्ट्रद्रोहिता। और हमारा देश साधु संतों का सूफियों का देश है। ठीक बात। मैं छोटा था मेरे पैर में दर्द होता था, हमारे यहाँ एक सूफी थे जेडी दूताधारी थे और इत्तेफाक से मुस्लिम थे सैयद थे, उन्होंने दवाई दी आयुर्वेद के, मेरा आज तक मैं 64 साल उम्र होगी मेरी आज तक दर्द नहीं हुआ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्हें चलता फिरता कोई, अभी एक मुस्लिम परिवार है भैसानी का, उसे एक दवाई देगा ये जो आपका प्रोस्टेट में कैंसर होता है उसकी दवाई देगा एक महात्मा, तो वो ये बता रहा मैं खेत काट रहा था महात्मा आया वो बैठा था मैंने उसे जाकर पानी पिला दिया मुस्लिम ने और उसके माता का दाढ़ी भी थी, उसे महाराज कहा महाराज पानी पी लोगे, हाँ भाई पी लेंगे, मैं नल चला रहा फिर उसने कहा बेटा मैं एक दवाई बता के जा रहा हूँ, तो कोई जादू मंत्र नहीं छोड़ सका, उसने वहीं से घास उखाड़ा और उसे कहा ये घास है बेल पत्थर के साथ इसे दे देना, इससे पथरी होगी या इसका मसाले का रोग होगा वो दूर हो जाएगा, फायदा हो रहा उससे वो दिया
सबको दे रहा, फ्री दे रहा, तो वो मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने क्या बीज दिया था, उन्होंने पौधा दिया। तो आज जितनी जानकारी हमारे विद्वान वैद्यों को थी, उसके बाद अगर आयुर्वेद को संजो किसी ने रखा तो साधु संन्यासियों ने ही संजो कर रखा, ठीक है, और वो आयुर्वेद के ज्ञाता है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। परंतु राजस्थान के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है, दीपक सिंह जी ने जो कहा है, वो तथ्यों के साथ कहा है, शब्दावली साथ स्वीकार हो ना हो, परंतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार की प्रमाणिकता के बिना कोई भी राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है, निधि का अधिकार, कि अपने देश प्रदेश के अंदर किसी तरह की दवाइयों का वितरण सुनिश्चित करे। और जहां तक अमेरिका की बात, इन्होंने ईरान की बात कह दी, अमेरिका कह दी, ये कैसे हो सकता है? हम अमेरिका से पहले दवाई बना सकते हैं, हम ईरान से ज्यादा विश्वासा कर सकते हैं। हमारे यहाँ 130 करोड़ के मुल्क में एक से एक प्रतिभा छिपी हुई है, और अंतर केवल ये है कि वो बाहर नहीं आ पाती, यही अंतर थोड़ा है। तो मैं इस बात से भी सहमत रही, दवाई हम पहले भी बना सकते हैं। और आपके राजस्थान में ही सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कोई पार्टी नहीं होती, सबसे पहले जो रिकवरी हुई थी 3 पेशेंट की, ठीक है, वो उन्होंने दवाई दी थी, उससे रिकवरी हुई, ठीक है। अब चलिए एक बार जरा मैं इस दवाई में क्या है, कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक दवा है, इस दवा में सिर्फ देसी सामान मिलाया गया है, इसमें मुलेठी है, गिलोय है, अश्वगंधा तुलसी है, श्वासीर है, और कुछ एक और इसमें जो है वो चीजें हैं जिसको श्वासरी वटी वगैरह के साथ इसको जो है मिला के उसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको उस तरीके से बनाया गया है। और भैया जमीरुल्ला साहब, अलीगढ़ में जब मैं जाता हूँ तो रेल की पटरी के दोनों तरफ है ना पुल के नीचे लिखा रहता है, याद है ना, डॉक्टर खान से मिलिए, वो आपके तमाम तरीके के रोगों को दूर कर देगा, वो बड़ा काले काले से लिखा रहता है, और इसका एक बहुत बड़ा बाजार है, चाहे वो गुप्त रोग दूर करने का हो, चाहे मर्द को महामर्द बनाने वाली दवाओं का बिकना हो, जिस पुड़िया और चूरन की बात कर रहे हो आप, वो तुम्हारे अलीगढ़ में ज्यादा बिकता है विधायक जी, समझ गए, उनके खिलाफ तो कोई बयान ना दिया गया। और आयुर्वेदिक के बारे में आप कितनी लंबी जुबान निकल आई, आप देशद्रोही बता रहे हो। ऐसा है, हाँ। मैं मलिक, अभी मलिक साहब ने ये कहा, नहीं पहले जो मेरा सवाल उसके जवाब दे दो ना पहले भाई साहब। हाँ बताइए, मेरा सवाल नहीं सुना आपने। हाँ। मैं कह रहा हूँ, बाबा रामदेव को तो आप देशद्रोही बता रहे हो, तमाम हिंदू संतों को देशद्रोही बता रहे हो, सर्टिफिकेट बांट रहे हो, है? मैंने किसी को नहीं बताया ऐसा। हाँ। मैंने ये कहा कि जो देश के साथ धोखा करे वो देशद्रोही। हाँ। जो भी देश के साथ धोखा करे। हाँ। मैंने ये कहा। अभी मलिक साहब ने, मैं बात सुन रहा था, मलिक साहब ने ये कहा। हाँ। कि हमने अपने बुजुर्गों से दवा ली और दवा लेने के बाद हमें फायदा हुआ, तो उन लोगों ने उसका पैसा नहीं लिया, ये पैसा कमाने का धंधा है। अच्छा। हाँ, ये मलिक साहब से पूछा, मलिक साहब ने कहा पहले के बुजुर्ग पैसे लिए थे, अर्जुन जी पैसे लेते थे, सबसे पैसे लेते थे, आयुर्वेद के वैद्य थे, सबसे पैसे लेते थे, आज भी उनका परिवार जिंदा है। हाँ, अब मलिक साहब ने समझ गए जबरुल्ला साहब, जवाब मिल गया ना। हाँ, मलिक साहब ने बताया वो पैसे नहीं लेते थे, बाकायदे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अरे पैसे लेते थे भाई, कान खोल के सुनो यार, वो कह रहे हैं पैसे लेते थे, 2-2.5 रुपए लेते होंगे। अच्छा, अभी तो कह रहे पैसे नहीं लेते, अब कहते हो भाई 5 रुपए लेते हैं, ये तुम तय करोगे क्या विधायक जी? ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ये तो बिजनेस है बहुत बड़ा भाई। अरे भाई, ये आप तय करोगे कि भारत में कौन आपसे पूछ के दवाई बेचे? और जैसा मलिक साहब ने कहा, मैं आपकी मलिक साहब की बात, हाँ भाई बातें कर रहे हो बैठ के भाई, हाजी हो यार आप, हाजी हो भाई साहब। अरे हाँ हाजी हूँ भाई, कभी मैं कह रहा हूँ। अरे तो हाजी हो तो सच तो बोलो। सच तो बोल रहा हूँ। ये कैसे आज करके आए हो? सच बोल दिया, अभी तो आपको तकलीफ हो रही है भाई। अरे हमें तकलीफ नहीं हो रही, गलत बातें कह रहे हो, उठपटांग बोल देते हो। अगर मैं चुप रहता तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी, मैंने सच बोल दिया, आपको तकलीफ हो गई। मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर मोहब्बत है देश के साथ, हमदर्दी करना चाहते तो नुस्खा लिख के भेज देते खाली, कि ऐसे ऐसे नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करें, कोई पैसा नहीं है इसका, ये होती देशभक्ति। आप ऐसे वक्त में भी 500 रुपए की, 800 रुपए की आप दवा देंगे तो अरे ये बताओ ये देशभक्ति आपने दिखाई है? हमने दिखाई है, बताओ कितना दिखाया? पूरे
पूरे ढाई महीने में आप, अरे इतना मोटा माल चापा आपने, आपकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, इतना मोटा माल जमीरुल्लाह साहब आपने पैदा किया है, सपा से निकाले गए, बसपा में थे, वहां से गड़बड़ झाला किया, जाने कहां कहां मोटा माल चापे हो और यहां ज्ञान दे रहे हो। बोल तो मैं कह रहा हूं, अगर आप मेरी हिस्ट्री देख लेंगे और पढ़ लेंगे। अरे हिस्ट्री देखते ही बात कर रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ तो लीजिए भाई, देखना। बहुत जल्दी चैनल पे हिस्ट्री दिखाने जा रहा हूं आपकी, बहुत जल्दी आप देखिएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। जब भी मुझे अगर किसी ने पनिशमेंट किया है तो गरीबों की लड़ाई के लिए किया है। हाय रॉबिन हुड हो भैया तुम, रॉबिन हुड, गरीबों की लड़ाई लड़ने में इनको दंड मिल गया। देखो अल्लाह का बंदा देखो बैठा कितना बढ़िया, देखो ये जो दरवेश फरिश्ते होते होंगे वो जमीरुल्लाह जैसे होते होंगे, सब लोग देख लो ध्यान से, हम में से कैसी बातें हो रही है भाई, गजब हो गया। आप इसको, अगर मैंने आपको सच्चाई दे दी तो आपको परेशानी इतनी क्या हो रही है? हमें परेशानी नहीं हो रही, उटपटांग बातें कर रहे हैं, उसकी दिक्कत है हमको। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है अतुल जी, सबसे बड़ी बात ये है 80 करोड़ भूख की कगार पे, सबसे बड़ी बात ये है 80 करोड़ भूख की कगार पे है। उस वक्त भी अगर कोई आदमी हमारे देश के साथ धोखाधड़ी करके पैसा कमाए तो इससे घटिया बात कोई और हो नहीं सकती। हाँ बताइए चक्रपाणी बाबा बताइए, अतुल जी देखिए सबसे बड़ी बात इस करोड़ अरे बोलो अरे कितना बोलोगे भाई, स्वामी रामदेव या स्वामी रामदेव जी, जमीरुल्लाह बोलो भाई थोड़ा जरा, आचार्य बाल कितन जी ने मान लीजिए एक देश को अच्छी चीज देने का प्रयास किया, वो ठीक है अभी आयुष मंत्रालय अभी पास नहीं किया, लेकिन उसमें इस प्रकार से हाजी साहब जैसे लोगों जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और इनके द्वारा बीच पवन किया जा रहा है, राष्ट्रद्रोही बताया जाना और सभी संतों को टेरिटलाइज कर देना, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये तो ऐसे लोग तो दंगे करा देंगे, कहां तक कोरोना काल में एक दूसरे को सद्भावना एक दूसरे को साथ देने की आवश्यकता है, तो ये तो हिंदू मुस्लिम दंगे करा देंगे। तो ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ खुद कार्रवाई होना चाहिए। तो ये अब एक स्वामी रामदेव जी के गवाह लेके आ रहे हैं, वो कोई हिंदू ही थोड़े खाएगा भाई, तो हाजी साहब आप भी खाओगे हैं? लेकिन अगर जो आज कल के डेट में मान लो आयुष मंत्रालय परमिशन दे दिया तो क्या कहोगे कि नहीं मैं दवा नहीं खाऊंगा? अरे हो सकता है पहले खा लिया हो, ये नहीं जानते, हो सकता है पहले तो गोली चाप ली हो, दवा नहीं बिकेगा। इसलिए पहले कोई बात आप बोलने के पहले सोचो कि किसके लिए बोल रहे हैं भाई। तो ये तो आप इस कोरोना काल में और लोगों की समस्या बढ़ा रहे हो, आप तो दंगे कराने की स्थिति में पैदा हो रहे हो, इस तरह बदजुबानी करके तो ये दंगे की नौबत आ जाएगी। ये तो हिंदू मुस्लिम आप कराने के चक्कर में आप साधुओं को राष्ट्रद्रोही कह रहे हो, तो एक जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको इस तरह शोभा नहीं देता क्या? आप सिर्फ मुसलमानों के वोट वहां जीते हो क्या? आपको हिंदुओं का वोट वहां पे नहीं चाहिए क्या? हिंदू संतों का वोट नहीं चाहिए? तो इस तरह इस समय जो है आपको अपनी सद्भावना का परिचय देना चाहिए, एक अच्छी बातें करनी चाहिए, आप तार्किक बातें करिए, बस करिए। हिंदू मुसलमान करके डायवर्ट मत करिए बात को। अच्छा भाई कर तो आप रहे हो ना, हिंदू बस करिए फाइनल कमेंट होगा आप। हाँ जी मिर्जा बताइए, जब एक बात सुनिए डॉ पे कहते हिंदू मुसलमान सब खाएंगे, इसको मत कहिए आप प्लीज, हर चीज को हिंदू मुसलमान मत करिए। ठीक है मेरी सोच थी कि मेरी तरह साधु राष्ट्रद्रोही है, मेरी सोच थी महाराज जी बस करिए। हाँ बताइए जमीर भाई, मलिक साहब ने थोड़े कहा, बस करिए महाराज जी, बस करिए प्लीज, बस करिए, आपके पास दोबारा आऊंगा। हाँ कहिए, मेरी सोच थी मेरे मुल्क के साथ जो धोखा करेगा वो गद्दार होगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ, ये मत कहिए आप हिंदू मुसलमान प्लीज, आप इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। आज हम लोग कहाँ खड़े हुए इसको देखिए, आज 80 करोड़ लोग भूख की कगार पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साहब ने कल ही 5-5 किलो आटा दिया है, 5-5 किलो आटा, जरा सोचिए आप, जिसके 5-5 किलो आटा खाने के लिए ना हो वो आपकी 1,000 रुपए की दवा कैसे ले लेगा? अरे आपको अगर देशभक्ति करनी है तो आप अपना फार्मूला पेश करिए वहां पर, जो 20 रुपए में तैयार हो जाएगा, दीजिए फार्मूला। आप फार्मूला देने में क्यों डर रही इस वक्त? ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए फाइनल कमेंट करेंगे, बस समझ में आ गया। ठीक है जी, हरेन सिंह मलिक साहब, इनका ये कहना है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, बाबा को मुफ्त में बांटना चाहिए और फार्मूला बता दे तो लोग अपने घरों में बना ले, ये इनका कहना है। गजब तो गजब है भाई, गजब बात है। वैसे साहब इन्होंने जानकारी इनको होगी, हर दवाई के पीछे फार्मूला लिखा रहता है,
जितनी दवाई की डब्बी आप किसी की भी लोगे सब में फार्मूला रहता है, जो जो दवाई आपने इसमें बताई इत्तेफाक से उसमें से ज्यादातर गिलोय, दालचीनी, मुलेटी और तुलसी, काली मिर्च, लोग ये सब पी रहे हैं। सब ज्यादातर मैं जहाँ मुजफ्फरनगर में रहता हूँ और गांव में भी जाता हूँ तो गांव में अक्सर आदमी तीन चीज पूछता है, दूध लेंगे, चाय लेंगे या काढ़ा लेंगे। हाँ, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं आदमी। ठीक बात है। अब आप ठंडा जी पूछते हैं आपको, जब से ये दूरदर्शन पे ये प्रचार हुआ कि ठंडा इसमें नुकसान देगा, मैं आज भी एक गाँव में गया, वहाँ तीन लोग एक्सीडेंट में मर गए थे, तो उन्होंने आज भी इतफाक जब उनके वहां से उतर के मैं दूसरे घर में बैठा तो उसने कहा जी ये बताओ काढ़ा लोगे, भारत गिलो का काढ़ा है चिंता के बच्चे, या चाय लोगे या दूध लोगे। हमने कहा काढ़ा ही ले, अब थोड़ा सा और क्या होगा। ठीक है। तो आज भी गाँव में हमारे यहाँ सभी ये जो विधायक जी कह रहे हैं अलीगढ़ वाले, मेरी उनसे गुजारिश है कि जरा पढ़े, जो भी आप चाहे पढ़ते लिखते तो है नहीं ना, इनका काम तो हिंदू मुसलमान का बयान देने से हो जाता है, तो पढ़ना लिखना क्यों है। आपसे मेरा अनुरोध है ये हमदर्द की आप दवाई खरीद लो, उसके पीछे भी लिखा रहेगा इसमें ये ठीक है, ठीक है, कंटेंट है, ठीक है, एलोपैथ की लोग उसमें भी लिखा रहेगा और यूनानी लोग उसमें भी लिखा रहेगा। ठीक है। तो ऐसे में जो ये कह रहे हैं इनकी समस्या का, इनकी जिज्ञासा का समाधान है, जो दवाई रामदेव बनावे, वैद्यनाथ बनावे, ऊझा बनावे, झंडू बनावे, डाबर बनावे, जितनी दवाई बनती है, हमदर्द बनावे, सीपीआई बनावे, उस सब के पीछे हिमालय बनावे, उसके सारे डब्बे पर पूरा फार्मूला लिखा रहता है, इतने ग्राम है, इतने ग्राम इसमें, इतने ग्राम, तो जिसे खरीदना वो उसे बढ़ा लो। बस करिए, हाँ बस करिए सर, बस करिए। चलिए मेहतानी साहब 30 सेकंड सर, फाइनल कमेंट है। अतुल जी तो दो मिनट मुझे आधा और 45 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है सर। देखिए हरे सिंह मलिक जी ने बहुत ही खूबसूरती से अश्वत्थामा मरो नरो कुंजों के पहले शंख बजा दिया। अच्छा। आपने जड़ी बूटियों के और फार्मूले की सब बात कही, लेकिन फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपके रघु शर्मा और दीपक सिंह जी ये क्यों कहते हैं कि सारा साधु समाज देशद्रोही है, इस पर आप क्यों चुप हो जाते हैं? आप इस पर क्यों चुप हो जाते हैं कि कहा जाता है कि राजस्थान में अगर एक भी गोली बिकी तो हम उनको जेल में डाल देंगे? आप ये क्यों नहीं इस पर कहते कि आपकी कांग्रेस के लोग, आपके कांग्रेस की सरकार ये कहे कि कानून का पालन हो, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन हो और ये दवाओं में जो भी कमी है उसको ठीक करके लोगों के कोरोना के लिए बाजार में उतरे? ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि पूरा साधु समाज देशद्रोही है? इसको आप हरीश मलिक जी क्योंकि पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, तो मुझे लगता है बड़ी खूबसूरती से इसको ये संभाल रहे। मैं अतुल जी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद से हमारे पूर्वजों का बहुत भरोसा रहा है। ठीक है। जैसा कि अभी इसमें हरेंद्र सिंह जी ने भी बोला, बहुत भरोसा रहा है और हम आयुर्वेदिक दवाओं से अपने जीवन को लंबे समय तक यापन कर पाए, स्वस्थ रूप से रह पाए। ऐसे में अगर कोई कमी है, बाबा रामदेव जी उसका प्रयोग कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, ऊपर अगर कोई कमी है तो आयुष मंत्रालय उसके लिए बैठा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको ठीक कराने के बाद लोगों को ये प्राप्त हो तो मुझे लगता है मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में अगर राजस्थान सरकार आ गई हो तो ये विषय एक अलग होगा। ठीक है कि वो केवल ऐसे लोगों को दबाव में आ जाए। बस करिए सर, मेरा संपादकीय पक्ष यहाँ पे सिर्फ इतना है कि भैया देखो देशी दवा है, स्वदेशी माल है, आपकी मर्जी है खाओ या ना खाओ, इतना हंगामा क्यों करते हो, इतना तमाशा क्यों करते हो, हिंदू मुसलमान क्यों बीच में लेकर आ जाते हो, हिंदू साधु संतों को, धर्म गुरुओं को आप अगर आतंकवादी और देशद्रोही कहोगे तो भैया फिर तो आपको भी कहा जाएगा, फिर आपको भी कहा जाएगा आप हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आते हो यहां पर, अरे दवाई बनाई बाबा रामदेव ने, तुम्हारा मानो खाओ ना मानो ना खाओ, तमाशा काहे करते हो, रोना काहे रोते हो भैया। और बाबा रामदेव ने जो भी प्रोडक्ट बनाए, मैं नहीं कहता सारे के बारे में, लेकिन मैं दो चार घर में अपने इस्तेमाल करता हूं, वैल्यू फॉर मनी है, चाहे वो दंत मंजन हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे ये गिलाय और ये सब तमाम चीजें, एलोवेरा वगैरह और आंवले का रस वगैरह हो, वैल्यू फॉर मनी है। हम विदेशी कंपनियों के बहिष्कार की बात करते हैं, हम चीनी ऐप पर बैन लगाने की बात करते हैं, जो विदेशी कंपनियां तमाम हैं महंगे महंगे शैंपू, 3-3 हजार रुपए के शैंपू है, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़ा, वो हम क्यों खरीदें भाई, क्यों पहनते हैं?
उससे कौन सा महामानव बन जाते हैं, महामर्द बन जाते हैं। मेरा मानना है कि आप अपने देश में, आप अपने स्वदेश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, लोकल के लिए वोकल हो, ये ज्यादा जरूरी है। हम इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। मैं पूरी तरीके से सिर्फ बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई कॉलोनी नहीं, आज हरेंद्र सिंह मलिक साहब बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, ये बहुत मशहूर किसान हैं, जमीन से जुड़े हैं, खुद हल जोतते हैं, आज भी खेती करते हैं। अगर एक कल कोई दवाई बनाएंगे और जिस फार्मूले के बारे में बताया है इन्होंने कि वो घास को बेल से और पत्थर से मिला के और दूर हो गया रोग, मैं फोन करके अभी इनसे दवाई लूंगा और उसको लिखूंगा अपने पास, जो बीमार हैं उसके कोई मिलेगा तो दूंगा कि भाई ये दवाई खाइए, हमारे बड़े भाई ने दवाई दी थी, क्या दिक्कत है खाने में इसको, कौन सा आपका जो है बहुत तूफान आ रहा है। आप एक बार अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, 80,000 1,00,000 रुपया दिन का कोरोना से लड़ने का बिल बनता है, वो खुशी खुशी देकर आओगे, यहां 535-600 रुपया खर्च करने में सबकी जान निकली जा रही, हम इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं उन लोगों की जो इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और यह भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा है, जिसको खाना हो खाए, ना खाना हो शांत रहे, हिंदू मुसलमान ना करे, बस ये मेरा संपादकीय पक्ष है। नमस्कार, जो कहूंगा सच कहूंगा।